नमस्कार, मैं हूं रीना सेजवाल। आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज। आज द्वारका सेक्टर 2 के जॉय अपार्टमेंट में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रेसिडेंट आरबी त्रिवेदी ने वरिष्ठ नागरिकों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। आइए देखते हैं किस तरह से मनाया गया इस सोसाइटी में गणतंत्र। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह जॉय अपार्टमेंट में सब मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बच्चे भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सोसाइटी के लोग उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोसाइटी के सचिव एमसी पांडे ने बताया कि इस अवसर पर रिटायर एयर वाइस मार्शल मिस्टर सक्सेना ने भी संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। पहले तिरंगे की बात करते हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देके की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ये केवल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की ही बात नहीं है, हमें सदैव इसको दिल में बसाए रखना है और अपने कमिटमेंट को देश के प्रति जानना है, मानना है और उसको पूरा करना है। हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने हमारी आज़ादी के बारे में, भारत के गणतंत्र के बारे में बताया। मैं बस ये बताना चाहूँगा, पिछले 7 दशकों में हमने जितना विकास किया है वो हमारी, मैं समझता हूँ, किसी भी गणतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए बड़े ही गौरव की बात। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल NN द्वारका न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।